रायबरेली अमेठी संसद क्षेत्र की महिला ने रोक दिया प्रियंका गांधी का भाषण। कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि गुजारा करना हो रहा मुश्किल। जब से मोदी की सरकार आई हमारा पशुओं की वजह से खेती भी नहीं हो पा रही। और प्रियंका गांधी स्वयं सहायता समूह शुरू होने की कहानी बताई, बताया कि कैसे भाजपा की बदलेगी राजनीति ने उसे बंद कर दिया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने और कुछ किया कहा, सुनिए। क्या कह रही हैं? कह रही हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, बोलो। सबसे ज्यादा तो मैम ये बात है कि हमारे यहाँ जो यहाँ पे जो खेती हम लोग करते हैं, इतना ये जानवरों की वजह से हम लोग खेती नहीं कर पाते। कि अगर खेत में लेटते भी हैं तो जानवर की वजह से कितने लोग मारे जाते हैं। आवारा पशु की जो समस्या है, पशु की वजह से, और जो हमारे यहाँ पे माताएं एवं बहने जैसे कोई कोई महिला को जैसे डिलीवरी होती है तो उनको भी सारी सुविधा भी नहीं मिल पाती है। यहाँ सीएससी पे लेके पीएससी ले जिले लेवल पे कोई भी सुविधा नहीं मिलती है कि कोई सुविधा मिल पाए। और पहले कांग्रेस तो आपको मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको लगता है कि पिछले 10 सालों से जब से मोदी जी की सरकार रही है आपके जीवन में तरक्की आई है? नहीं आई है मैम, कोई भी तरक्की नहीं आई। हम लोग पहले मैम समूह में काम, जो आवारा पशु की जो समस्या है कब से चल रही है? जब से मोदी जी आए तब से समस्या चल रही है इनकी सरकार से। हम लोग पहले राहुल भैया चलाते थे, समूह चलाते थे, उसमें आप समूह में थी जी मैम, कितनी भी सारी महिलाएं काम। आपको अच्छा लगता था जो समूह था? मैम बहुत अच्छा लगता था, हम लोग बहुत दूर दूर तक समूह की वजह से। आपको मालूम है कि आपकी जो सांसद हैं उन्होंने ये कहा कि राहुल जी ने समूह इसलिए शुरू किए क्योंकि आपकी जमीन हड़पनी थी, आपको मालूम है? जी मैम ये मालूम, लेकिन ये पूरी लेकिन आपको मालूम है कि समूह से कितनी सुविधा हुई कितनी महिलाओं की, है ना? बहुत सारी सुविधा हुई थी समूह से। जो लोग कुछ काम धंधा कर नहीं पाते थे समूह से अपना पैसा लेके अपना रोजगार धंधा चलाते थे, अपने बच्चों को सही ढंग से। मैं आपको बताऊं समूह कब शुरू हुआ? मैं एक बार यहाँ पे, याद है आप लोगों को, याद होगा, पता नहीं है ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता था तो आग जल जाती थी गांव में, याद है? क्योंकि छप्पर ज्यादा होता था, तो छप्पर होता था, छप्पर में आग लग जाती थी। तो एक बार मैं एक गांव में गई, गांव का नाम क्या था किशोरी भैया, जहां हम छप्पर जब सारा जल गया था? गाजनपुर देवरिया में गई और वहां पूरी आग लग गई थी और महिलाएं बहुत दुखी थी। जो भी सामान था बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था, बोरे में अन्न रखा हुआ था, सब कुछ जल गया था। उस समय जब मैं वापस आई अमेठी से, मैं दिल्ली गई, तो एक बड़ा समारोह था दिल्ली में। एक बहुत मशहूर एक इंसान थे जिन्होंने अपने देश में ये समूह बनवाए थे महिलाओं के, और खूब महिलाओं का विकास हो रहा था। तो मैं जब गई तो समारोह था और वहाँ विदेश से एक आदमी आए थे, एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपने यहाँ खूब बड़े बड़े समूह बनाए थे महिलाओं के लिए। उनको कोई बड़ी सी प्राइज मिल रही थी कि बहुत अच्छा काम किया था। तो मेरे मन में आया कि वहाँ हो सकता है तो हम अमेठी में क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैं वापस आई गाजनपुर देवरिया में और वहाँ हमने सबसे पहले एक समूह बनाया और सबसे पहली जो समूह की महिलाएँ थी वो वहीं की थी। और फिर वहां से फिर ये परियोजना शुरू हुई और जब भैया है सांसद बनके तो उनको ये परियोजना, उनको बहुत अच्छा लगा कि इसमें तो गांव की जो महिलाएं हैं इनका बहुत विकास हो सकता है, इनकी मदद हो सकती है। तो उन्होंने बहुत तेज रफ्तार से वो काम बढ़ाया और बहुत सारी, मेरे ख्याल से जो हमारी यहाँ की परियोजना थी वो पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना थी इस तरह की। लेकिन ये बंद क्यों हुई? क्योंकि इनकी राजनीति की वजह से, क्योंकि ये पूरी राजनीति करने के लिए इन्होंने कहा, झूठ फैलाए कि हम परियोजना से आपकी जमीन छीनना चाह रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे झूठ बोले। तो आस्ते और फिर केस वेस ये सब किया तो फिर उसको बंद ही कर देना पड़ा। तो ये परिस्थिति है कि देखो कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन राजनीति के वजह की वजह से कोई उस पर आक्रमण करता है और उसके बारे में झूठ फैलाता है और वो अच्छा काम जो है वो बंद हो जाता है और जो आपको पहले सुविधा मिल रही थी वो नहीं मिल रही है।